पूज गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, निर्वृत्ति वाला जीवन था, लेकिन उनने उस निर्वृत्ति का पूरा सदुपयोग करा। राजनीति में नहीं फंसे, पंचायतों में नहीं लगे। उनका एक टाइम टेबल सेट था, भाई साहब गुरुदेव 8 घंटे स्वाध्याय करते थे, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते ही रहते थे। वो उनको कोई मतलब ही नहीं पढ़ने, जैसे मुनिराज होते ना, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जैसे मुनिराज को दो ही काम है, ज्ञान और ध्यान, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव श्री पे जीवन को उठा के देखोगे तो शारीरिक क्रियाओं के अलावा जो टाइम था, समझ में आए ना, उसके अलावा वे दो ही काम करते थे, या तो दो बार प्रवचन करते थे या फिर पढ़ते रहते थे, बस कोई मतलब नहीं उन्हें। भाई साहब ये है असली निर्वृत्ति लेने वाला पुरुष। अब वर्तमान में तो ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हैं ग्रंथ खोल के बैठते ही नहीं, अपनी दर दर की गप्पे, मंदिर बनाओ, ये करो, वर्तमान विराजमान करो, ऐसे करो, समाज को ऐसे चलाओ, समाज में ये गलत हो रहा है, समाज में ये गलत हो रहा है, लड़कियां शादी कर रही हैं, लड़के वैसी काम में ही लगे हुए हैं, दुनिया की शादी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, उनकी सुई वहीं अटकी पड़ी हुई है। और कोई रोक सकता है क्या? रोक लोगे क्या? होता है इन सब चीज़ों से? अरे इसकी जगह मूल तत्व ज्ञान समझाओ, आत्मा का स्वरूप समझाओ। अगर 100 में से 10 को भी समझ में आएगा तो वे 10 पक्के होंगे। और लेकिन तुम 100 को ये चरणानियोग सिखाते फिरोगे, ये मत करो, इसमें इतना पाप, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, शादी मत करना, ये मत, ये सब व्यर्थ की बातें हैं भाई। आत्मा के आश्रय के बिना जीव कैसे सुधरेगा? कौन सा उपाय सुधर? हम तुम्हें नियम धर्म दिलवा दें, मंदिर में जाके नियम सुधर जाओगे? अरे इतना आसान होता अगर आचरण सुधारना अंदर से। बाहर से तो आसान है, देखो भाई क्रिया कांड सरल है, आत्मा के आश्रय से क्रिया कांड कठिन है। नहीं समझ में आया? भय के कारण क्रिया कांड करना आसान है, भय दिखा दिया उसमें क्या फर्क पड़ता है? भय दिखा दिया, बच्चे मंदिर चलो वरना पाप लगेगा, नरक जाओगे, ये करोगे, तो बच्चा भय के कारण आ गया मंदिर। ऐसा मंदिर आना बहुत सरल है, लेकिन देव सास गुरु की उसे अंदर से भक्ति आवे और स्वयं मंदिर आवे, ये कठिन है।